आदर्श काफ़ी हद तक एक ही मूव से चैलेंजर्स को हरा रहा था। बेसिकली आदर्श के फोर्थ टीयर फायर बस्ट के लिए चैलेंजर्स को कोई मुकाबला नहीं था, जिसे उसकी सोल सीट से भी स्ट्रॉन्ग किया गया था। रोज फ्लेम बहुत ही वॉयलेंट थी, ये उसके फायर एलिमेंट स्पेल की पावर को 2.5 गुना बढ़ा सकते थे। उसके ऊपर फोर्थ टीयर तक पहुंचने के बाद उसके फायर बस्ट की ताकत 2 गुनी हो गई थी। उसका फायर बस्ट बेसिकली एक ऑर्डिनरी फायर बस्ट की कंपैरिजन में 5 गुना ज़्यादा पावरफुल था और सर्वेंट क्लास डीमन बीस्ट्स को तुरंत मार सकता था। इन स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दो, जिनके पास कोई आउटस्टैंडिंग डिफेंसिव मेजर्स भी नहीं थे। जब तक स्टूडेंट्स के पास कोई डिफेंसिव एबिलिटीज़ नहीं थी, तब तक आदर्श उन्हें फायर बस्ट के साथ हरा सकता था। जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसके बारे में अलग ही नज़रिया रखने लगे। क्या कोई भी उसे इंटरमीडिएट स्पेल का यूज़ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता? गौतम कपाड़िया ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। गौतम कपाड़िया बिल्कुल घबरा रहे थे। अब तक चैलेंजर्स की रैंकिंग 400 से कम थी। आदर्श के ओपोनेंट में से अभी तक किसी के पास भी सोल सीड नहीं था, इसलिए उसके ओपोनेंट्स आदर्श के खिलाफ नुकसान में थे। ओह गौतम, ऐसा लगता है कि तुम इस बार गलत हो, गौतम शर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनम्य सख्त गौतम कपाड़िया के विपरीत ऋषि सर स्टूडेंट्स के खिलाफ इतने सख्त नहीं थे। उन्होंने मन में ही सोचा, हालांकि आदर्श जब पूरे फायर स्कूल को डांट रहा था तब वह काफ़ी इंसल्टिंग था। ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप गौतम कपाड़िया उसे शुरुआत में कूड़ेदान के रूप में नहीं डांटते। मिस्टर गौतम, क्या आप प्लीज़ एक जज के तौर पर थोड़ा प्रोफेशनल हो सकते हैं? मैंने इस स्टूडेंट को पहले ही नॉक कर दिया है जिसे आपने बुलाया था, सो नेक्स्ट प्लीज़। उसी वक्त बैटल ग्राउंड से आदर्श की आवाज़ आई। ये शब्द सुनते ही गौतम कपाड़िया की खोपड़ी सुन्न पड़ गई। अगर स्कूल टीचर्स को स्टूडेंट्स पर हमला करने की सख्ती से मना नहीं करता, तो वे डेफिनेटली दौड़ता और उस तिरस्कारपूर्ण ट्रांसफर स्टूडेंट को सबक सिखाता। अपने आप में इतना मत इतराओ, गौतम कपाड़िया ने टूटते हुए कहा। आदर्श ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो उन्हें हराने में कोई भी गर्व महसूस नहीं हो रहा है। गौतम कपाड़िया ने अपने दांत भींचे और नेम लिस्ट पर एक नज़र डाली। उसने उनमें से कुछ परिचित नाम ढूंढने की कोशिश की। अगर गौतम कपाड़िया किसी का नाम याद रख सकते थे, तो ये बहुत ही पॉसिबल था कि वह व्यक्ति कुछ हद तक कैपेबल था। फायर स्कूल एक अजीब सी सिचुएशन में था। 30 से अधिक चैलेंजर्स सामने आ चुके थे, फिर भी उन्होंने ट्रांसफर स्टूडेंट को इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए भी मजबूर नहीं किया था। उसकी ताकत के बीच अंतर बहुत ज़्यादा था। अजय बहुत अच्छे, आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल है। गौतम कपाड़िया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फायर स्कूल में अजय 280वें रैंक पर था। उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी भी नहीं थी और न ही उसे फायर स्कूल में एक्सपर्ट माना जाता था, लेकिन गौतम कपाड़िया को उसका नाम याद था। अजय एक हंटर था। उसने स्कूल में ज़्यादा समय नहीं बिताया था। वह हमेशा बाकी हंटर के साथ ग्रुप में डीमन बीस्ट का शिकार करने के लिए बाहर जाता था। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस फायर मैजिशियन था। अनफॉर्चुनेटली 1 महीने पहले उसने अभय को नाराज कर दिया था, जिसकी रैंकिंग टॉप 50 में थी। अभय ने अपने कनेक्शन से खुद को शामिल किए बिना उसने अजय के लिए मुश्किलें खड़ी की, जिससे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिससे अजय की रैंकिंग तेजी से गिरकर 280 हो गई थी। बस 5 स्टूडेंट के बाद अजय की बारी है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेगा, गौतम कपाड़िया अपने आप में बुदबुदाए। बिना किसी आश्चर्य के आदर्श ने 5 चैलेंजर्स को एक ही चाल से हरा दिया। स्पेल उतना अट्रैक्टिव और स्टाइलिश नहीं था जितना कि कई कहानियों या मूवीज में बताया जाता था। इतने सालों की खोज और खुदाई के बाद इंसानों ने केवल लिमिटेड मैजिक एलिमेंट्स और स्पेल्स की खोज ही की थी। फिर भी हर एक स्पेल में महारत हासिल करने के लिए बहुत सारे एफर्ट और समय की ज़रूरत होती थी। हाई स्कूल में आदर्श को 2 बेसिक स्पेल्स में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगे थे। भले ही वह अब और स्पेल्स सीख चुका था, फिर भी फायर बस्ट और लाइटनिंग स्ट्राइक अभी भी उसकी सबसे कुशल चाल थी। एक बार शक्तियों के बीच एक स्पष्ट अंतर था, यहाँ तक कि उन 2 स्पेल्स का यूज़ करके
जो उसने इन सभी सालों में अकेले प्रैक्टिस किए थे वह अभी भी अपराजेय था। नेक्स्ट 280वें रैंक से अजय। आंखों में प्रत्याशा की झिलमिलाहट के साथ गौतम कपाड़िया ने अगले स्टूडेंट को बुलाया। अजय की साफ तौर पर फायर स्कूल में कुछ रेपुटेशन थी। उसका नाम पुकारे जाने पर भीड़ तुरंत हंगामा करने लगी। अजय जाओ और उस फायर स्टूडेंट को हराओ, वरना वह सच में सोचेगा कि हमारे फायर स्कूल में कोई एक्सपर्ट नहीं है। दैट्स राइट, तुम उसे अपनी ताकत से आसानी से हरा सकते हो। अब हमारी इज्जत है, तुम ही वापस ला सकते हो। क्या अजय के पास सोल सीड नहीं है? यह तो और भी अच्छा है, फिर तो उसके पास पक्का उसे हराने का मौका है। भीड़ ने चिल्लाना शुरू कर दिया जब उन्होंने अजय को बैटल ग्राउंड की ओर जाते देखा। स्टार्टिंग में अजय फायर स्कूल में इतना फेमस नहीं था, हालांकि जब 30 से अधिक चैलेंजर्स को एक ट्रांसफर स्टूडेंट द्वारा केवल बेसिक स्पेल से हरा दिया गया था तो वे महसूस कर सकते थे कि उनकी रेपुटेशन दांव पर थी। दर्शकों में बाकी एलिमेंट्स के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। यह बहुत ही शर्मनाक था जब उनमें से बहुत से एक ट्रांसफर स्टूडेंट से लगातार हार रहे थे। बैटल ग्राउंड में खड़ा अजय भी काफ़ी हैरान था। वो सोच रहा था कि कब से वो स्टूडेंट्स के बीच इतना फेमस हो गया था। ऐसा लगता है कि हर कोई आपसे खतरा महसूस करता है, अजय ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं इतना फेमस नहीं था। ओह तो ऐसा है, तो तुम एक स्पेल कास्ट करके हार क्यों नहीं मान लेते? हम फिर एक साथ ड्रिंक पियेंगे, आदर्श ने लापरवाही से कहा। अजय एकदम अवाक रह गया। डैम इट, उसने शुरू में सोचा था कि बच्चा कुछ खास था, फिर भी उसने यह जानकर तुरंत उसके साथ शांति बनाने की कोशिश की कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर नहीं है। ड्रिंक उस रेपुटेशन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जो मुझे तुम्हें हराने से मिलने वाली है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझसे हाई रैंक वाले बहुत से लोग हैं जो तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। इस स्कूल में स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए तुम्हारा नाम भूलना काफ़ी मुश्किल है, अजय ने सिर हिलाते हुए कहा। अजय को कुछ भी अच्छा नहीं मिला था और चुने जाने के बाद वह अपनी इच्छित रैंकिंग नहीं पा सका, न ही वह उन्हें रिसोर्सेज को पा सका जिसकी उसे ज़रूरत थी। इसलिए वह ऐसे ही किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था और अब जब वह मौका उसे मिल ही गया था तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ, यह मत समझो कि बेसिक स्पेल मुझे हराने के लिए काफ़ी है, अजय ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तुम खुद को बहुत ज़्यादा ओहदा दे रहे हो, आदर्श का इंटरमीडिएट स्पेल को यूज़ करने का कोई इरादा नहीं था। आदर्श ने एक फायर बस्ट कास्ट किया, एक चमकदार लाल पैटर्न के साथ उसकी दाहिनी हथेली पर भीषण फ्लेम्स जल्दी से दिखाई दी। आदर्श का मानना था कि मैजिक एक्सेलरेटर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद इसने उसकी कास्टिंग स्पीड को पहले से बेहतर कर दिया था। अपनी कास्टिंग स्पीड को और बेहतर बनाने के लिए जब उसके पास पैसे हो तो उसे एक और मैजिक एक्सेलरेटर खरीदना चाहिए। उसे न केवल अपने बेसिक स्पेल्स में सुधार करना था ताकि वो उन्हें तुरंत कास्ट कर सके, उसे अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स की कास्टिंग स्पीड को भी सुधारने पर ध्यान देना था। जय शेखावत जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास बाकी सभी की स्पीड से दोगुना स्पीड से फायर एलिमेंट कास्ट करने की जन्मजात प्रतिभा थी, अगर वह अपने बेसिक स्पेल को फोर्थ टीयर तक नहीं ले जाता तो उसे निश्चित रूप से एक गंभीर हार का सामना करना पड़ता।